हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक नए वीडियो के साथ। नए दिन से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत मेरी हो रही है दिन में के 1 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ गमरा आठ, मतलब मैं आ चुकी हूँ लेकिन मैंने वीडियो बनाई, मैंने ज़्यादा टाइम वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो जल्दी से आ गए थे। तो मैं अभी वीडियो शुरू कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको जो गमरा है वो कैसे लेके आए और कैसे मनाया, खेल वगैरह लगाया वो दिखाऊंगी। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको सब प्रोग्राम। तो पता में नहीं आ रहा है। पहला साथ हम भी पीछे पीछे चलते हैं, हमारा तो दानी, तो हम इनको देख के खुश हो जाते हैं। बचपन में वैसे हमेशा जाती थी जब, लेकिन नीचे से चलते हैं और वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं आपको हमारे गाँव में कैसे मनाए जाते हैं। साथ में कौन को ये क्या कर रहे हैं यार? पंचम दिवस की ताली देने का कार्यक्रम श्री गणेश शुभारंभ हो गया है, स्थगित कर रहे हैं। आज पुनः
आजकल तो दुल्हन की तरह, दुल्हन की तरह लग रहा है, दुल्हन की तरह पेड़ लगेगा ये है तो सही खाली। अब आने वाली सबसे मजेदार चीज जो प्रोडक्ट है ना उसमें आठों देखने के बाद हम चलते हैं भागवत सुनने। और आज गोवर्धन पर्वत की लीला है शायद, कुछ ऐसा ही सुना था मैंने। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको मंदिर पे। कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को हम सुधारें। परिश्रम पूरी मेहनत से नहीं किया गया है, पूरे मन से हमने परिश्रम नहीं किया है। यतने कृते यदि निषिध्यति पोत्र दोषा, यत्न करने पर भी यदि
हमको सफलता नहीं मिल रही है तो देखना चाहिए, हमें अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमें स्वयं में दोष देखना चाहिए कि हमने कर्म करने में कहां पर गलती कर दी, कहां पर त्रुटि हुई है हमसे। यतने करते यत्न सिद्धयति गोत्र दोषा, जितने किया है वो पूरे मन से नहीं हुआ, इसलिए चलो देखिया मैं नंदे घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंदे घर लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज बाला हुआ, लाला हुआ ब्रज बाला हुआ, चलो देखिया मैं नंदे घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंदे घर लाला हुआ। उतना अपना रूप स्वरूप बदल करके आई प्यारे भगवत प्रेमियों, और नाचते गाते हुए पालने के पास पहुंच गई है, जहां पर बाल कृष्ण प्रभु सोए हुए थे, लेटे हुए थे। प्यारे भगवत प्रेमियों, पालने में से सब लोग भीड़ भाड़ में इकट्ठे थे, कौन पहचाने इसको, घूंघट करके गई और इसने कन्हैया को गोद में उठा लिया। रामावतार में सर्वप्रथम ताड़का का उद्धार करना पड़ा, और कृष्ण अवतार में ये मौसी आ गई। बता छोटे से है ना, और ये पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई है, कालकूट जहर स्तनों में लगा करके आई। अब सोचो जब पूतना मरी थी तो 18 किलोमीटर लंबे चौड़े शरीर की थी, उन्होंने 16108 विवाह किए, हम इतना नहीं कर सकते, हम उतना नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा किया वैसा। ये बड़ी समाज में विकृतियां हैं, समाज में तर्क ज्यादा है, कुतर्क जिसको बोलते हैं, कुतर्क ज्यादा होता है। हमारे धर्म में हमारे ही ईश्वर पर उंगली उठाने वाला कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। इसी ने तो हमारे श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा करके और स्तनपान कराया। बताओ जरा कि ये राक्षसी रह गई है? अरे जो गति मैया यशोदा को पताए हरा हरा महादेव। आज की कथा यहीं तक, और 900 रुपया श्री भोपाल सिंह मेहरा दिलीप लाल 150 रुपया श्री नरेंद्र देवति सोमन दानो वयो करण वागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संपूर्ण व्यवस्था रखी हुई है भागवत से, मैं अभी वापस आ गई थी लेकिन दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ बुआ का डब्बा छोड़ के डब्बा लेने जा रही हूँ, और हमारा भी कुछ है, हमारा तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम तो रोज शाम को दूध देने जाते हैं, लेके आ जाते हैं, पर बुआ नहीं बोला डब्बा लेके आना, उनकी गाय को हत्याने वाला डब्बा है, तो अभी चलते हैं मंदिर में डब्बा बंद के आते हैं, और शाम को भी चलेंगे भजन कीर्तन में, तो फटाफट से घर जाके फिर मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी प्लस रोटी।